नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। इस साल चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो कि 11 अप्रैल तक रहेगी। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा होती है। इन 9 दिनों में माँ जगदम्बे की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति भी होती है। वही इस बार चैत्र नवरात्रि में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस साल की चैत्र नवरात्रि में एक भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा। खास बात यह है कि इन 9 दिनों में ऐसे कई योग बन रहे जो सर्व फलदायी हैं। लेकिन इस बार माँ दुर्गा की सवारी अनहोनी की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। घोड़े पर सवार होकर माता रानी का धरती पर आगमन शुभ नहीं है। इससे कई गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दिन के आधार पर इस साल माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी। घोड़े को युद्ध का प्रतीक माना गया है और भैंसे पर सवार होकर प्रस्थान कर रही हैं। इन दोनों ही वाहनों को अच्छा नहीं माना गया है। घोड़े की सवारी का मतलब है इस साल शासन सत्ता को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वही कुछ जगहों पर सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा माता के ये वाहन से देश में विवाद, तनाव, दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं की ओर संकेत होता है। भैंसे की सवारी का अर्थ है रोग, दोष और कष्ट का बढ़ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।